गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको आपके पहले पार्ट की एक बार फिर से रिवीजन करा रही हूँ ताकि आप लोग का टेस्ट में कोई परेशानी ना हो और आप लोग का इस एक बार फिर से इसका रिवीजन हो जाए। ठीक है, आज मैं आपको सिर्फ इसकी एक्सरसाइजेस बताऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स आपकी कॉपी में आपके पास में लिखे हैं, आपको वो भी लर्न करने हैं। क्लियर, तो स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका सही उत्तर को चिन्हांकित कीजिए। भवति इति शब्दस्य मूल धातुः अस्ति भू, रवि इति पदस्य अर्थम अस्ति सूर्य, अपि इति पद्म अस्ति सर्वनाम। ठीक है, इसके बाद में आप इसके शब्द अर्थ लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये क्वेश्चन आंसर है आपके, ये आपको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं, मैंने आपको लिखवाए थे ये, है ना। आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर जो हैं वो अपनी फेयर कॉपी में आपके होंगे, आप उससे रिवाइज करते रहेंगे और टेस्ट के लिए तैयार करेंगे। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान। रिक्त स्थान है आपका प्रातःकाल की सुषमा अतीव रमणीय भवती। ठीक है, प्रातःकाल की सुषमा अतीव रमणीय भवती। नेक्स्ट है आपका सूर्योदय, सूर्योदयम यावत च प्रभात वेला एव उच्यते। ठीक है, इसमें प्रभात बेला भरा हुआ है। नेक्स्ट है आपका प्रभात बेलायाम प्रकते अपि शोभा अति मनोहारिणी भवती। ठीक है, नेक्स्ट है युवानः व्यायाम आचरन्ति शक्तिम स्वास्थ्यम च लभन्ते। ठीक है, ये आपको देखना है इसमें क्या दो चीज़ें भरी हुई हैं, एक तो व्यायाम और दूसरा है स्वास्थ्यम। ठीक, अगला है अस्माभि सदैव सूर्योदयात पूर्वमेव उत्थात वयम्। इसमें क्या भरा है, सूर्योदयात। क्लियर, तो बच्चों आपको ये सारी एक्सरसाइज जो है वो आपको लर्न करनी है टेस्ट के लिए। ये देखिए, रजनी, रजनी का क्या होगा, दिवा, रजनी मतलब रात, दिवा मतलब दिन, प्रातः कहा संध्या, सुगंध का दुर्गंध, उत्तमा का क्या होगा बताइए, अधमा, मुदिता इसका क्या होगा, दुखिता, अथ मतलब बताइए, अथ का अपोजिट क्या होगा, अथ का होगा इति, अथ मतलब प्रारंभ, इति मतलब अंत। ठीक, तो ये आपको लर्न करने हैं। इसके साथ ही साथ आपको अपने सेकंड चैप्टर भी बिल्कुल इसी तरीके से तैयार करना है। क्लियर, आप लोग को सेकंड चैप्टर भी तैयार करना है और इसके भी आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह सभी कुछ लर्न करने पड़ेंगे। आप लोग इसको लर्न रिवाइज करते रहिएगा और इसको याद करिएगा अच्छी तरीके से। ओके, ऑल द बेस्ट।